दोस्तों, पीआईबी करंट अफेयर्स के सेशन में सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल और परसों वीडियो नहीं अपलोड हुआ था, तो हम थोड़ा सा और पीछे चले गए हैं, वरना बैकलॉग लगभग कवर होने वाला था। 23 और 24 अगस्त के इम्पॉर्टेंट पीआईबी अपडेट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और ऐसे ही दो दो दिन का करके हम लोग पूरे अगस्त को 30 तारीख तक खत्म कर लेंगे और सितंबर की शुरुआत होगी फ्रेश पीआईबी अपडेट्स के साथ। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। उससे पहले आपको बता दें, एक हमारा फ्री ग्रुप चलता है UP SSSC और UP PCS UPP के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी एग्ज़ाम की तरफ देख रहे हैं। और UP PCS के लिए सर की पेड टेस्ट सीरीज़ आती है। BPSC का नया पैकेज हम लोगों ने अभी शुरू किया है। BPSC जो लोग अपियर होने वाले हैं प्री में, वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ क्या है, कैसे मिलेगी आपको, और पेड ग्रुप के क्या क्या फीचर्स हैं, सब आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। BPSC का फ्रेश ग्रुप है, UP PCS का जो चल रहा है ग्रुप है उसमें भी सर ने कह दिया है कि इसमें 2-3 दिन तक एडमिशन ले सकते हैं, तो आप इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पर 23 अगस्त की। सबसे पहले बात कर रहे हैं, थोड़ी सी पुरानी अपडेट्स हैं लेकिन हर फैक्ट आपको बताया जाएगा जो और कहीं से आपको नहीं मिला है। पहला अपडेट यहाँ पर प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट की तरफ से है। यहाँ पर कम्युनिक में बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सलाह पर पोर्टफोलियो दे दिया अरुण जेटली को वापस से। अरुण जेटली फिर से एक बार कॉरपोरेट अफेयर्स और वित्त मंत्री का अपना ले लेंगे चार्ज, और जो अभी तक पीयूष गोयल के पास था अब उनके पास चला जाएगा वापस से। अभी अस्वस्थ चल रहे थे अरुण जेटली जी, तो वापस से उनको ये चार्ज दे दिया गया है। आप लोग हमको ये कमेंट्स पे लिख करके बताइए कि किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सलाह देने वाले कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति कार्यालय यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट की तरफ से अपडेट है। यहाँ पर विजिट किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित योजना और वास्तुकला विद्यालय में यहाँ पर तीसरा चल रहा था दीक्षांत समारोह, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर इन्होंने संबोधित किया है छात्रों को। इनका जो भी भाषण है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, मगर मैं उपराष्ट्रपति जी का हर यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ पैराग्राफ, क्योंकि ये जब भी कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर इनकी विजिट होती है, और जब भी ये कुछ बोलते हैं उनमें एक विज़न हमको दिखता है। आप उनके विज़न को अगर अपने ऐसे के टॉपिक्स में इंक्लूड करेंगे आंसर राइटिंग्स वगैरह में, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। वेंकैया नायडू जी जब भी कोई चीज़ बोलेंगे, आप अगर उनको सुनते रहते हैं जनरली टीवी वगैरह पर, तो आप देखेंगे पहली बात तो उनकी लैंग्वेज, उनकी फ्लुएंसी, और दूसरी बात उनके विचार, काफ़ी डीप एनालिसिस होता है उनके विचारों में। ऐसे ही नहीं वो कुछ भी बोलते हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही फैक्ट्स के साथ बोलते हैं, और आप उनकी कही गई बातों को अगर सुनेंगे, समझेंगे और उनको अपनी राइटिंग्स में इंक्लूड करेंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। सो इस समारोह में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने संदेश दिया छात्रों को। जो भी लोग वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के छात्र हैं, उनको सुझाव दिया गया है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कम लागत में शहरी सुविधा प्रदान करने का कार्य करें। वो कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शहरी सुविधाएँ मिल सकें, लेकिन कम कीमत पर। उन्होंने अथॉरिटीज़ को और जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं उनको कहा है कि डिज़ाइन तैयार करते समय ये बहुत ध्यान रखना चाहिए उन्हें, आगे चलकर वो अभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुए, आगे चल करके सिविल इंजीनियर बनेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ में जाएंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, आगे चलकर उन्हें मकान बनाने हैं, फ्लैट्स बनवाने हैं, तो जहाँ पर भी वो इस तरह का काम करेंगे वो डिज़ाइन तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि डिज़ाइन पर्यावरण अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि इको फ्रेंडली होनी चाहिए वहाँ पर। और ऐसा विज़न उनको रखना चाहिए कि इको फ्रेंडली होने के साथ साथ वो आधुनिक युग का भी लगे, मतलब मॉडर्न तो रहे ही, सुविधाएं भी हों, और बहुत कोशिश की जाए कि वो इको फ्रेंडली रहे, वो डिज़ाइन हर तरफ से उसमें ऐसी व्यवस्था हो कि वो मॉडर्न तो लगे ही लेकिन पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाए। उन्होंने एक लाइन में कहा है कि आज परंपरा और तकनीक के साथ साथ यहाँ पर बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, यानी कि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचने का काम करती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। टेक्नोलॉजी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। अब एक और अपडेट है यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट की तरफ से ही। यहाँ पर बात की जा रही है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के SN पालम गांव को विज़िट किया था। यहां पर कुछ फार्मर्स से उन्होंने बात की थी ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में, और ये बताया था कि कैसे किसानों के लिए अच्छी चीज़ है ये। अभी मैं बताऊंगा ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में डीप में। ये कहते हैं कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अपनाना चाहिए किसानों को।
इससे उनकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, और जो भी लागत आती है फसल तैयार करने में उसमें कमी लाई जा सकती है, और एक रिस्क को कह सकते हैं कम कर सकते हैं। मान लो अगर फसल नहीं भी होती है तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में किसान को उतना नुकसान होता ही नहीं, क्योंकि उनकी लागत ही बहुत कम आती है। वो लोग फिर से अगले साल के लिए जा सकते हैं, उन पर कोई भी कर्ज नहीं रहेगा। उनके इस स्टेटमेंट को मैं रीड करना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि खेती केवल एक व्यवसाय नहीं है, अपितु ये प्रकृति के साथ लगाव और जीवन यापन तथा खेती के माध्यम से इसके संरक्षण की प्रक्रिया है। तो आप कभी भी खेती या फिर किसान के बारे में कभी भी लिखें तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2017 से इसकी शुरुआत की जा रही है। कहाँ से शुरुआत हुई ये आपसे पूछ सकते हैं। इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई थी। कर्नाटक में एक फार्मिंग एसोसिएशन है और इसकी शुरुआत करते हैं सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर एक कह सकते हैं एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट आप कह सकते हैं उनको। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च की हुई है, 20 से अधिक किताबें लिख चुके हैं और कह सकते हैं ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के गुरु हैं वो। उन्हीं ने इसकी अवधारणा दी थी, उन्होंने इसकी संरचना की थी और इसकी शुरुआत की थी। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक्चुअली में है क्या? जैसे कि इसका नाम मिला है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी कि शून्य आधारित खेती है। अब ऐसा नहीं है कि शून्य आधारित खेती में किसान को एक्चुअल में ज़ीरो बजट आएगा, ये इसको नाम दिया गया है। ज़ीरो बजट का मतलब यहाँ पर बहुत ही लो बजट पे फार्मिंग करना। फार्मिंग के मेथड्स हैं, फार्मिंग के टेक्निक्स हैं जो सुभाष पालेकर जी ने कुछ बताई हुई हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग कभी भी फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे नहीं। नेचुरल फार्मिंग में सबसे बड़ी जो यहाँ पर चीज़ होती है कि हम लोग कभी भी पैसे देकर फर्टिलाइज़र नहीं खरीदेंगे, यानी कि अपना खुद का फर्टिलाइज़र डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करेंगे? जो हमने पिछली बार जो खेती की थी उससे जो भी हमको बाई प्रोडक्ट मिला है, जो भी वेस्ट निकला है उससे, मतलब फसल बिकने के बाद जो भी चीज़ रह गई है उसको यूज़ करके हम आगे आने वाली फसल के लिए हम लोग मैन्यूर्स अपने खाद वगैरह डेवलप करेंगे। जीवामृत नाम देते हैं इस तरह के खाद को। सुभाष पालेकर जी, इन्होंने बहुत डीप में बताया गया है कि कैसे सब चीज़ें बनाते हैं। इफ़ेक्टिव कॉस्ट ज़ीरो के बराबर रखना है, यानी कि बेहद कम रखना है, इस फार्मिंग का लक्ष्य होता है। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये भी बताया गया है कि जब हम लोग अपना बीज वगैरह लगा देते हैं और फसलों को बचाया कैसे जा सकता है, यानी कि पेस्टिसाइड्स भी हम लोग उस तरह के नहीं यूज़ करेंगे जो बाज़ार में मिलते हैं, जिसके लिए किसान को पैसे देने पड़े। कुल मिलाकर हम लोग वही चीज़ें यूज़ करेंगे, हम लोग जो पिछली वाली जो फसल है उसको उगाने के बाद जो बची हुई है उसका यूज़ करके हम लोग आगे की फसल में उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग को बताया गया है कि अगर इंटरक्रॉपिंग की जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, सॉइल को बल मिलता है वगैरह वगैरह, और कुल मिलाकर इफ़ेक्टिव कॉस्ट बेहद कम हो जाती है। और किसी कारण से मान लो बाढ़ आ जाती है या फिर किसी भी कारण से सूखा पड़ जाता है, खेती बर्बाद हो जाती है, तो फार्मर को उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। हालांकि इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है, ये बहुत अच्छा नहीं होता किसान के लिए कि उसकी फसल बर्बाद हो जाए, लेकिन अगर उस फसल को लगाने में लागत पहले ही बहुत कम आई है तो जो नुकसान होता है वो भी बहुत कम हो सकता है और किसान फिर से उबरने का काम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में बताई गई हैं, और आंध्र प्रदेश की सरकार ने सुभाष पालेकर जी को अपना एडवाइज़र भी बनाया है जो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का काम देखेंगे आंध्र प्रदेश में। और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को आंध्र प्रदेश की सरकार काफ़ी हद तक प्रमोट कर रही है, इसके लिए स्कीम्स लेकर के आ रही है। अगला अपडेट यहाँ पर पीएमओ की तरफ से है। पीएम मोदी जी ने विजिट किया वलसाड़ के जुजुआ गांव को, और वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के जो भी घर बन चुके हैं गुजरात में, वहाँ के सभी लोगों को सर्टिफिकेट सौंपे, यानी कि उनको उनके ग्रह की चाबी सौंपी, एक तरह से लिटरली हम लोग कह सकते हैं, उनका ई गृह प्रवेश करवाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों से मोदी जी ने इंटरेक्ट किया और लगभग उनसे बातचीत की, और लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे गुजरात में 1 लाख घर हमने तैयार किए हैं, ऐसे ही पूरे देश में 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल का सपना पूरा करेंगे। पीएम जी ने हमको बताया कि जो भी आवास दिए गए लोगों को वो अच्छी क्वालिटी के हैं, और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि मिडिल मैन को यहाँ पर हटाने का काम किया गया था। जो भी चीज़ें थी वो सरकार के पोर्टल के माध्यम से जो भी लोगों को हाउसेस मिले हैं उनके बीच इंट्रैक्शन था, किसी भी तरह के मिडिल मैन को इंक्लूड नहीं किया गया था इस प्रोसेस में, जिससे कि जो हाउसिंग मिलने वाली है वो प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, उसमें किसी भी प्रकार से लोग पैसा ना खा सकें। तो इस वजह से सक्सेसफुल हुआ है, और बता रहे हैं कि 2022 तक सभी को आवास सुनिश्चित करने का लक्ष्य है सरकार का। अगला अपडेट यहाँ पर निर्वाचन आयोग की तरफ से, यहाँ पर जो यूएन है उसके 12 परमानेंट मेंबर्स, यानी कि परमानेंट कंट्रीज जो हैं 12, उसके
रिप्रेजेंटेटिव्स ने चुनाव आयोग को विजिट किया है और यहाँ पर चीज़ों को समझने का काम किया है कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया क्या है, निर्वाचन आयोग भारत का कैसे काम करता है, इस पर वो लोग स्टडी करने के लिए आए थे। यूएन के 12 प्रतिनिधि देशों का ये जो मंडल है ये 22 से 28 अगस्त तक भारत की यात्रा पर है और इसको प्रायोजित किया जा रहा है एमईए की तरफ से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। इनकी मदद से ये लोग भारत का दौरा कर रहे हैं और विभिन्न चीज़ों पर स्टडी करने का काम कर रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग को जब इन्होंने विजिट किया तो हमारे दो उप निर्वाचन आयुक्तों में से एक अशोक लवासा इनको एड्रेस करते हैं, बताते हैं चुनाव आयोग के बारे में कि चुनाव आयोग भारत में कैसे काम करता है, क्या क्या चुनौतियाँ इस समय चुनाव आयोग के सामने। चुनाव आयोग के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि इंक्लूसिव वोटर लिस्ट बनाना। आप जानते हैं कि भारत में कई सारे चुनाव होते रहते हैं जिनमें अलग अलग बार आपको अलग अलग वोट डालने होते हैं, आपके शहर का म्यूनिसिपल चुनाव हो चाहे फिर विधानसभा चुनाव हो और पूरे देश में होने वाला लोकसभा चुनाव, आप अलग अलग जगह पर वोट डालने जाते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि वोटर लिस्ट में त्रुटि होने के कारण आपका नाम वहाँ से हट जाता है और आप वोट डालने से वंचित रह जाते हैं। ये सब चीज़ों को दूर करना है चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य। और दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य यहाँ पर है जो कैंडिडेट्स होते हैं कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से और अपनी धन शक्ति के माध्यम से वोटर्स को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता लेकिन चुनाव के दौरान ऐसी कई चीज़ें सामने आती हैं, तो इन सब चीज़ों को दूर करने का काम करना है चुनाव आयोग को। लेकिन ये भी बताया जाता है कि पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं कि साल दर साल लगातार स्वतंत्र निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराने में आयोग को सफलता मिली है। इतनी बड़ी जनसंख्या का चुनाव करवा पाना सफलतापूर्वक और कई कई बार चुनाव करवाना यहाँ पर निर्वाचन आयोग की उपलब्धि है, ठीक है। दूसरे हमारे उप निर्वाचन आयुक्त हैं श्री उमेश सिन्हा, इन्होंने शिष्टमंडल का स्वागत किया और बताया कि भारत में एक्चुअली क्या प्रोसेस है चुनाव की, तो उसके बारे में एक पीपीटी के माध्यम से इनको बताते हैं। ये सब चीज़ें हैं, संसदीय चुनाव 2014 जो अभी हमारा लास्ट लोकसभा चुनाव हुआ था उस पर एक शॉर्ट फिल्म भी इनको दिखाई जाती है और क्वेश्चन आयर का आंसर करते हैं, उनकी सारी यहाँ पर जिज्ञासा का दूर करने का काम करते हैं। इसमें वीवीपैट का या भी दिखाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारे यहाँ पर कैसे कैसे काम करती है। अभी बिहार सीडीपीओ के पेपर में वीवीपैट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि वीवीपैट क्या होता है, वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया था। वोटर्स वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, इसको ध्यान रखें, यहाँ पर पूछा गया था अभी कि वीवीपैट में जो पहला वाला वी है इसका क्या मतलब है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर अपडेट है एसिक के बारे में, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में। कर्मचारी राज्य बीमा निगम आयोग जो है हमारा, इसने दो सुविधाओं को शुरू किया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ग्राहकों के लिए। यहाँ पर एक हेल्प डेस्क और इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम की शुरुआत की गई है, एक टॉल फ्री नंबर दिया गया है और कुछ वीडियो क्लिप्स भी जारी किए गए हैं इनके यूट्यूब चैनल पर। एसिक हेडक्वार्टर का जो यूट्यूब चैनल है इसमें बताया गया है कि कैसे आप यहाँ पर IVR को यूज़ करेंगे और विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपनी बीमा पॉलिसी के बारे में। और बताया जा रहा है कि जल्द ही एसिक का एक नया मोबाइल ऐप आएगा, चिंता से मुक्ति उसका नाम रखेंगे, ठीक है, और उमंग ऐप से इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा हमेशा की तरह। आप जानते हैं कि उमंग ऐप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप करना चाहती है सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने इसको डेवलप किया था 2017 में। उमंग ऐप को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि जो भी सुविधा गवर्नमेंट के पास है वो उमंग ऐप से लिंक जरूर होनी चाहिए, उस हर सुविधा के बारे में जानकारी उमंग ऐप में जरूर होनी चाहिए। आपने देखा अभी ट्राई के जो दो ऐप्स थे माई कॉल और DND 2.0, इसको भी यहाँ पर लिंक किया गया था। EPFO की सारी स्कीम्स उमंग ऐप के माध्यम से मिलती हैं, आधार कार्ड से रिलेटेड सारी अपडेट्स यहाँ पर उमंग ऐप के माध्यम से मिलती हैं। उमंग ऐप को एक बहुत बड़े पोर्टल के रूप में डेवलप करना चाहती है सरकार। एसिक का मोबाइल ऐप चिंता से मुक्ति जब भी आएगा इसको यहाँ पर लिंक किया जाएगा उमंग ऐप के साथ। एसिक का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है, ध्यान रखें इसको। अगला अपडेट यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर फ्रीडम बर्ड के बारे में, हम्बोल्ट पेंगुइन, इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 2018 के दिन, इसको फ्रीडम बर्ड नाम दिया गया था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन हुआ था, काफ़ी चर्चा में आई थी, लेकिन दुख की बात यह है कि अब ये नहीं है, 21 तारीख को ये नहीं रही है और इसको बहुत सारी सरकमस्टेंसेस में मृत घोषित कर दिया गया जू डिपार्टमेंट के द्वारा। बाइकला जू में इसका जन्म हुआ था और ये केवल 6 दिन तक जीवित रह पाई। आप जानते हैं कि पेंगुइन्स बहुत ही ज़्यादा ठंडे माहौल में रहती हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में वैसे भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना इसको करना पड़ सकता था। खैर, आप इसका नाम ध्यान रखें, हो सकता है पूछ सकते हैं, फ्रीडम बर्ड इसको नाम दिया गया था, बाइकला जू में इसका जन्म हुआ था।
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अपडेट सीएसआईआर के बारे में है। सीएसआईआर अब क्या करने वाला है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है एचएएल की तरफ से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि तेजस एयरक्राफ्ट बनाता है। तेजस एयरक्राफ्ट के कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पार्ट्स यहाँ पर डेवलप करने वाला है आगे चल के सीएसआईआर। इसको 100 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मिला है। तेजस है क्या? तेजस हमारा एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। मिग से इसको रिप्लेस किया गया था। एक ये मल्टीपर्पस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, यानी कि हल्का लड़ाकू विमान। इसको एचएएल बनाता है और इसके कुछ पार्ट्स जो है अब सीएसआईआर डेवलप करने वाला है। और सीएसआईआर जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पार्ट्स डेवलप करेगा वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। यानी कि इसमें क्या करते हैं कि हल्के पार्ट्स बनाते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा हल्का और एफिशिएंट ये हमारा तेजस रह सके। आप ध्यान रख सकते हैं इसको। हमारे इस समय डायरेक्टर जनरल हैं सीएसआईआर के गिरीश साहनी, इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। और सीएसआईआर आता है किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ये हमारा एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको रेगुलेट करने का काम करती है। और वाइस प्रेसिडेंट है सीएसआईआर के डॉक्टर हर्षवर्धन। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन होते हैं आप बताइए, अध्यक्ष कौन होते हैं सीएसआईआर के? ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं कमेंट्स में लिख करके बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से अपडेट यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण अभियान के बारे में है। राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सितंबर को मनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें नेशनल लेवल पर बहुत सारी वर्कशॉप्स चलाई जाएंगी, बहुत सारे सेमिनार्स चलाए जाएंगे और एक अभियान के रूप में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे आगे चल करके काम करने वाला है, क्या क्या स्कीम्स हैं और शुरू से अंत तक इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन या फिर हम लोग कह सकते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की शुरुआत की गई थी साल 2017 में। इसको 3 साल तक के लिए चलाने वाले थे और हर साल कुछ टारगेट्स रखे गए थे। वो टारगेट्स क्या क्या हैं? राष्ट्रीय पोषण मिशन के टारगेट्स हैं कि जो बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं, उनको हर साल 2% तक कम करना है और कुल मिलाकर के 3 सालों में 6% तक कम करना है। तो आप देखोगे कि वो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं वो सरकार ने बताई हैं। जो स्टंटेड ग्रोथ होती है चिल्ड्रेंस में, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में जो स्टंटेड ग्रोथ देखी जाती है, यानी कि ग्रोथ में यानी कि लंबाई में कमी देखी जाती है, उसको कम करना है हर साल 2% और कुल मिलाकर के 6% 3 साल में। बच्चों में वजन की कमी आ जाती है न्यूट्रिशन की कमी के कारण, 0 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों में उसको भी कम करना है 6% तक 3 सालों में, 2% हर साल। और अनीमिया हो जाता है बच्चों में, 6 साल तक के बच्चों में अनीमिया यानी कि खून की कमी, उसको हम लोग को 9% तक कम करना है, 3 साल हर परसेंट उसमें कमी लानी है। और बच्चों में अनीमिया हो जाता है जो अडोलिसेंट्स बच्चे होते हैं उनमें, यानी कि किशोर बच्चों में जो अनीमिया हो जाता है, विमेंस में जो अनीमिया हो जाता है, उनको भी यहाँ पर कम करना है 9% तक। और रिड्यूस करना है लो बर्थ वेट LBW को, यानी कि जन्म के समय बच्चे का वजन जो होता है उसको बढ़ाना है, यानी कि जो नए बच्चे नवजात शिशु जन्मेंगे उनका वजन एक ऑप्टिमम लेवल तक हो, बहुत कम ना हो। आप जानते हैं कि एक बच्चे का वजन जन्म के समय अगर 2 kg से कम है तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस बाद में देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि सन 1975 में बहुत पुरानी हमारी स्कीम चल रही है ICDS, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये 1975 से चल रही है लेकिन इसका ओरिएंटेशन कुछ रहा नहीं अच्छे से। इसके बारे में हमारी WCD की मिनिस्टर मेनका गांधी जी बताती हैं कि 40 सालों में पहली बार हम लोग ICDS पर फोकस करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल अनफोकस्ड थी, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया था। ICDS के अंतर्गत क्या होता है, आंगनवाड़ी CDPOs को यहाँ पर क्या मिलता है, वित्त मिलता है जिससे एजुकेशन न्यूट्रिशन की बात करी जा सके, इनसे संबंधित मैटर एड्रेस किए जा सके विमेंस में और चिल्ड्रेंस में। लेकिन अभी आप जानते हैं कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, नई स्कीम्स ही चल रही थी, ICDS पर फोकस हट गया था सरकार का। तो एक बार फिर से इसको फोकस करना है। मेनका गांधी जी के अनुसार ICDS के अंतर्गत जो भी लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जो लोग रॉन्ग बेनिफिट ले रहे हैं, जो एलिजिबल नहीं हैं, उनको हटाएंगे और अच्छी क्वालिटी का फूड अवेलेबल करवाना है गर्भवती महिलाओं को, चिल्ड्रेंस को, और बेसिक शिक्षा प्रोवाइड करवानी है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमको चलाना है राष्ट्रीय पोषण मिशन या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत हम लोग कह सकते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन तो देखिए चल रहा है, राष्ट्रीय पोषण मिशन को एक अभियान के रूप में चलाने की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं सितंबर से। इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया था मार्च में। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू गाँव में बताया था कि हम लोग इस राष्ट्रीय पोषण मिशन को एक अभियान के रूप में लेकर के जाएंगे, यानी कि एक युद्ध स्तर पर इसको चलाने वाले हैं। जो स्कीम अभी तक डोरमेंट थी
मतलब जिनका इम्प्लीमेंटेशन रुका हुआ था, थमा हुआ था, उनको एक बार फिर से बूस्ट करेंगे। इसके लिए 20 करोड़ डॉलर का यहाँ पर ऋण भी लिया गया था वर्ल्ड बैंक से, ऋण समझौता किया गया था वर्ल्ड बैंक से। तो इसको आगे तक ले जाना है, उसके लिए सितंबर में आपको बहुत सारी वर्कशॉप्स देखने को मिलेंगी ऑल ओवर इंडिया, और योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। तो लगातार सितंबर में अवेयरनेस कैंपेन्स आपको देखने को मिलेंगे, सेमिनार्स और ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स, और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको बताया जाएगा कि एक्चुअली में आपका रोल क्या है। ICDS स्कीम के तहत जो भी चीज़ें डोरमेंट पड़ी हुई थी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा बहुओं को उनका रोल ही नहीं पता था कि आखिर हमको करना क्या होता है और हमको कितने पैसे मिलेंगे। इन सब चीज़ों को अपडेट करना है और इनको बूस्ट करना है। लक्ष्य हम बता चुके हैं आपको, ये सब चीज़ें आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन टास्क ऑफ द डे के हैं, इसको आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है आपका कि सिंबल बारा नेशनल पार्क किस राज्य में है, मृगवानी नेशनल पार्क किस राज्य में हमको देखने को मिलती है, आर्टिकल नंबर 155 संविधान का किससे संबंधित है, लोन फॉक्स डांसिंग नाम की किताब के लेखक कौन है, बेस्ट फीचर फिल्म के रूप में अवार्ड किसको मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स में इन सभी के आंसर लिख करके बताइएगा। हम लोग दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने, जो कि कल सुबह अपलोड होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।